दूरी है वो 150 से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हम अभी बाइक में ही जाने वाले हैं यहाँ से, तो देखते हैं रास्ते में कितनी वाली बेइज्जती, कितनी कठिनाइयाँ आती है, जो कि किन चीजों का हमें सामना करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो पर आप लोग पूरा बने रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो कि काफी चैलेंजिंग होने वाला है, जो हमारे लाइफ का फर्स्ट राइड होगा। जो आप अब रास्ते में कहीं मरकोटोला का ये पेट्रोल पंप ठंड से कांपते हुए, रोड की हालत इतना लंबा राइड, भगवान जाने हम लोग कैसे पहुंचेंगे। ये चारमा के लिए निकलेगा रोड, और ये चारमा से थोड़ा आगे तो आपको लगभग 3 किलोमीटर बच जाएंगे रोड में। चारमा इधर है रायपुर। अब हम लोग नेशनल हाईवे 30 पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से बिल्कुल सीधा 130 किलोमीटर जाना है। कांगे से निकल कर यहाँ राजा राव पठार बस पहुँचे हैं। यहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर, तो आप देख सकते हैं राजा राव पठार। यहाँ से अब थोड़ी देर फोटो वोटो खिंचाए, छोटे कंटिन्यू निकलने वाले हैं रायपुर के लिए। तो वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो आप देखते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हालत बिल्कुल ही एकदम मतलब खराब हो गया है। ठंड भी बहुत लग रहा है, फिर भी अब आगे जाना है। कठिनाइयों से भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी मतलब तकलीफ भरा है। ठंड भी बहुत लग रहा है, कपड़ा पूरा भीग गया है, हालत एकदम खराब है। तो आगे का सफर चलो फिर से मौज मस्ती करते हुए काटते हैं, निकलते हैं। इस ब्लॉग पर बने रहिए, यहाँ पर काफी अच्छा व्यू मिल रहा है, आप देख सकते हैं। गए हैं धमतरी का बस स्टैंड, आप देख सकते हैं ये वाला बस स्टैंड धमतरी का। अब यहाँ से अपन आगे जाएंगे, फिर से चलने वाले हैं यहाँ से कंटिन्यू रायपुर। तो यहाँ हम अपन अभी एक दोस्त के इंतजार कर रहे हैं।
अरे बाप, वीडियो बनाते कहीं गलती की तो नहीं बनना है नहीं? कैसे अच्छा तो फाइनली हम जिंदा पहुंच गए मंदिर सौद रायपुर।